आखिर क्यों विराट कोहली नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बने। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में पता चला कि विराट कोहली टोटली नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले विराट कोहली टोटली नॉन वेजिटेरियन थे। उन्हें मीट बेस्ड डाइट बहुत पसंद था। नाश्ते में तो वो उबला हुआ अंडा और ऑमलेट ही लेते थे, और लंच में वे रोस्टेड मछली, मटन और रोस्टेड चिकन ही लेते थे, और डिनर में सी फूड खाते थे, और लगभग यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। वे नॉनवेज के बहुत ज्यादा शौकीन थे, उन्हें मीट बेस्ड डाइट बहुत ही ज्यादा पसंद था। जी हाँ, लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उनकी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे कि डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आई ही, लेकिन उनके पूरे बॉडी में पेन रहने लगा, जिसकी वजह से वे रातों रात सो भी नहीं पाते थे। जी हाँ, उनकी उंगलियों में झंझनाहट होती थी, वो इस वजह से होता था कि उनके सर्वाइकल मतलब गले की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी थी, वहाँ पे दर्द रहता था जिसकी वजह से उंगलियों में झंझनाहट होती थी। वजह ये भी हो सकती है दोस्तों कि उनकी बॉडी के जॉइंट्स में यूरिक एसिड की मात्रा जमने लगी थी, और ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एसिडिक फूड ज्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जॉइंट्स में बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होने लगता है, और नेचुरली देखा जाए तो हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट एल्कलीन होना चाहिए। जी हाँ, स्वस्थ रहने के लिए एल्कलीन एनवायरनमेंट जरूरी है। तो दोस्तों, विराट कोहली को कई सारी दिक्कतें आने लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। वे कई डॉक्टरों से मिले, बहुत सारी दवाइयां भी खाई, कई उपाय किए। एक बार उनके एक डॉक्टर ने बोला कि आप अपना डाइट प्लान चेंज करके देखिए, शायद कुछ बदलाव हो। तभी विराट कोहली ने अपने पूरे डाइट प्लान को चेंज कर दिया, नॉन वेजिटेरियन से टोटली वेजिटेरियन बन गए, वेगन बन गए। 3-4 महीने बाद उन्हें पूरी तरीके से आराम मिला, रिलीफ मिला, जिसकी वजह से वे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट एसिडिक था वो धीरे धीरे एल्कलीन की तरफ बदला, जो उन्हें स्वस्थ फील कराता है। उनकी वीगन डाइट में अब प्रोटीन शेक, वेजिटेबल और सोया शामिल है। अब उन्हें वैसे किसी भी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता जो उन्हें पहले गुजरना पड़ता था। जी हाँ, अब वे पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर क्या, तभी से विराट कोहली टोटली नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए और वीगन डाइट ही फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली की कहानी कि क्यों वे नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।